बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। ड्रैगोस के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि आप सोना लेकर कोनिया जा रहे हैं तो वो इसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब तक तो इन्हें साहिब औलाद होना चाहिए था, कोई तो होगा जो आपके दिल में घर कर बैठा होगा। मंगोलों के लिए ले जाया जाने वाला सोना कल कोनिया रवाना होगा उरानूस, और वो हम उनसे छीन लेंगे। अर्तुरुल और उसके सिपाही लेकर जाएंगे क्या? नहीं, उमूर उलार के सिपाही और उस दस्ते की कमान बेबुलाद करेगा। इलबिल की खातून को कोनिया ले जाना समझ से बालातर है। कोई ना कोई राज है इसमें आर्तुक भाई। इलबिल की खातून रात बहुत परेशान और खामोश थी। बस आप हुक्म करें, कौन है वो जिसे डसना है मुझे? वही जो अर्तुरुल के बहुत करीब है, आर्तुक। देखा था मैंने, औताक में अर्तुरुल सरदार को जिन नजरों से देख रही थी वो नजर इज्जत की नहीं, मोहब्बत की थी बाजी। शुक्रिया आर्तुक साहब, खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आए इंशाल्लाह। आपकी हिफाजत हमारी अव्वलीन और अहम तरीन जिम्मेदारी है, इसी वजह से मैं आपको कबीले ले जाना चाहता हूं अपने। तुम इस मामले से दूर रहो, कुनेवी को हमें दे दो वरना सब मारे जाओगे। हम मर तो सकते हैं लेकिन कुनेवी साहब को नहीं दे सकते। मुझसे चाहते क्या हो आखिर? फिक्र मत करो, तुम भी जल्द अपने सिपाहियों के पास चले जाओगे। तुम सबसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। हमला करो, मार डालो सबको। सिपाहियों, मार दो इसे। सिपाहियों, कुनेवी को मार डालो।
तुमने कहा था तुम्हें कोई लेना देना नहीं मुझसे, लेकिन यह बात याद रखना, जो कोई भी किसी आलिम की जान लेने की कोशिश करेगा उसकी मौत सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल के हाथों होगी। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरुल सरदार, आलम इस्लाम को आप जैसे बाहिम्मत मुजाहिद की ही जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। ये लीजिए सलजान खातून। बहुत शुक्रिया। खवातीन ने ये क्या किया है देखो, तुम्हें उन पर नजर रखना चाहिए थी अफसा खातून। नजर रखी थी मैंने उन पर। तो तुम खुद ही देख लो, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। सलजान खातून, मैंने खवातीन पर मुकम्मल ध्यान रखा था। अगर मुकम्मल ध्यान रखा था तो ये सब क्या है फिर? अब इससे कैसे खेमा बनाएंगे हम? वापस ले जाओ इसे। खुश आमदीद वालिदा। क्या हुआ सलजान, डांटा क्यों हफ्सा खातून को? हमें कबीले की किसी खातून को निगरानी के लिए रखना चाहिए था वालिदा। बेटी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ के सारे मामलात हफ्सा खातून ही देखा करती थी और किसी से बहस भी नहीं करती वो। बिला वजह किसी का दिल मत तोड़ो। उसे बिला वजह नहीं डांटा मैंने वालिदा। आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबने फायदा उठाया और सुस्त पड़ गए। वो कहते हैं ना, सोने का निवाला खिलाओ मगर शेर की निगाह रखो। लेकिन आप परेशान ना हो, आइंदा से सब कुछ सही होगा। देखो बेटी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे ना कभी शक था और ना कभी होगा, लेकिन तुम्हें उलझना नहीं चाहिए किसी से। वालिदा, जानती हूँ मैं एक ही मौजू पे बार बार बात करना आपको कतन पसंद नहीं, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उस सिरमा खातून के अल्फाज ने मुझे उलझा कर रख दिया है। कौन से अल्फाज बेटी? इल्मिलगे खातून की शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। जानती है उमरुलार के बारे में मुझे क्या महसूस हुआ? वो लोग शायद अर्तुरुल भाई से उसकी शादी करना चाहते हैं। जल्दी से ये सब सामान समेटो, बहुत सारे काम करने बाकी हैं, जल्दी करो। भाइयों,
वहीं रहना। सिपाहियों, इस बिलगे की हिफाजत करो। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, ऐसे क्यों उन्हें खबर ना हो। तुर्गुत, सिपाहियों को साथ लेकर जाओ अपने, और खुफिया तौर पर पीछा करो उनका। जो आपका हुक्म भाई। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। हमला करो सिपाहियों। अर्तुरुल साहब के सिपाही हैं। तुर्गुत सरदार, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ भाई। संभालो, संभालो खुद को मेरे शेर, इन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करना है। चलो मेरे बहादुर, कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत कराओ। मेरे भाई उठो।
वो फरार हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, उस सिपाही को जल्दी कबीले लेकर जाओ। इल्बिलगे, तुम यहीं रहो, यहां से कहीं मत जाना। हम उनके पीछे जा रहे हैं। सिपाहियों, इल्बिलगे का ख्याल रखना। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी हुई आप हमारे औताक में तशरीफ लाए। इज्जत बख्शी आपने हमें। खुशामदीद मोहतरम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काई कबीले और आपके औताक में आपका मेहमान बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। बड़ा फर्जंद कुंदूस, मेरा भतीजा सुलेमान। मंझला बेटा साफ जी। सबसे छोटा उस्मान। ये बच्चे बड़े होकर खूब नाम कमाएंगे अर्तुरुल सरदार, इंशाल्लाह। आपकी औलाद एक दिन बड़ा मकाम हासिल करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। सदरतन कुनेवी साहब जब तक चाहेंगे हमारे कबीले में कयाम करेंगे। आपका खेमा तैयार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया खातून, आपने जहमत की। अस्तग़फिरुल्लाह, जिन्होंने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया, उन इब्नुल अरबी हजरत के शागिर्द हैं आप। जहमत क्यों होगी, खुशी की बात है कि आपने हमें इज्जत बख्शी। तमाम इंतजामात तो आपने पहले ही कर लिए हैं अर्तुरुल सरदार, मशकूर हूं मैं आपका। बहुत शुक्रिया, यह हमारा फर्ज था। आप भी हमारी तरह इन मंगोलों की वजह से थक चुके होंगे हजरत, न जाने ये मुसीबत कब टलेगी। इस वक्त हम लोग हालत जंग में हैं। अगर ये सोचा कि हम थक गए हैं तो फना हो जाएंगे, ये जिद्दोजहद आलम इस्लाम को दोबारा उरूज दिलाने के लिए ही की जा रही है। हर लम्हा हमें मौत की आहट ही सुनाई दे रही होती है। हम ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे सर पे कफन बांधा हो, लेकिन हमारा अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि बिला शुबा हर मुश्किल आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए आसानी है। आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारी लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन इस जंग के आखिर में अल्लाह ने हमारे लिए जो इनाम रखा है वो हमारी तकालीफ से बहुत बढ़कर है, और वो इनाम है इस निजाम आलम पर हमारी हुक्मरानी। इंशाल्लाह, अपने यकीन से, अपने ईमान से और हक के रास्ते पर सच्चाई से चलते हुए कुफर के खिलाफ इस्लाम का अलम बुलंद करना है और एक अजीम कुवत बनकर उभरना है दुश्मनों के लिए। उनका सहारा बनना है जिन पर जुल्म किया जा रहा है, और अपने नबी की उम्मत के लिए उम्मीद की किरण बनना है। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। तुम्हारा नया मालिक। तुम्हारी जबान काटकर कप्पों को खिला दूंगी मैं। तुमने एक औरत को जंगली भेड़ियों की तरह चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन याद रखो मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। मार दो, मैंने कहा मार दो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर यह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं जच रहा, और मारूं क्यों जब अपना असीर बना सकता हूं। तुम्हें किले में बंद कर दूंगा। यह सोना और तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। यह अच्छा नहीं किया तुमने। सोना और लड़की दोनों को उठा लो, हम किले वापस जाएंगे। चलो जल्दी। वो बदबख्त कहां? सिपाहियों हर तरफ तलाश करो उन्हें। वो जा चुके हैं और उनके पीछे जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी वापस चलिए। सही कह रहे हैं तुर्कुत साहब, बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं, दोबारा हमले की जरूरत नहीं करेंगे वो। सिपाहियों वापस चलो। ये अभी तक नहीं पका, भूख लगी है। आ गई अफसा, लड़ाई से आया हूं मैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, जल्दी से दो, वापस भी जाना है मुझे, बहुत भूख लगी है। ये तो है अफसा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा रवैया कभी नहीं देखा मैंने। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं अफसा, जानता हूं मैं तुम कभी ऐसा नहीं करती। बताओ मुझे क्या बात है आखिर, कहीं बच्चों ने तो तंग नहीं किया तुम्हें? आने दो जरा इन्हें, मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा।
बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं। तो हफ्सा बताओ मुझे, आखिर क्यों परेशान हो, क्या बात है? बंसी, सलजान खातून। क्या किया सलजान खातून ने? तरपाल खराब होने की वजह से नाराज हो गई मुझसे। खवातीन की मैंने तवज्जो से निगरानी नहीं की, उनको ऐसा लगा, इस वजह से वो नाराज हो गई मुझसे। मुझे लगता है सलजान खातून को मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आह मेरी हफ्सा, हौसला रखो, सलजान खातून के सर पर मुसीबतें पहाड़ बनकर गिरी हैं। हफ्सा बात को समझो, सलजान खातून अपना कबीला और अपने शौहर को छोड़कर यहाँ आ गई अपने बेटे के साथ, और अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं, और उन्हें तुमसे कोई भी जाती रंजिश बिल्कुल नहीं है। अफसा दुरुस्त कहा, ठीक कहा आपने, मगर मैंने भी तो ये काम बहुत मेहनत से सीखा है। वो मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रही थी जैसे मैं इस काम को जानती ही नहीं हूं बिल्कुल। ओ हफ्सा, मासूम हो तुम कारखाने में कितनी मेहनत करती हो, हर कोई जानता है ये बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता है मैं अक्सर तुरगुत के साथ भी बहस करने लगता हूँ, पता है क्यों? वो इसलिए ताकि काम और बेहतर हो सके। मेरी प्यारी हफ्सा, जब हम लोग परेशानियों से निकल जाएंगे, फिर तुम सलजान खातून के साथ रहकर अपनी काबिलियत साबित करना। इंशाल्लाह बमसे, इंशाल्लाह। ये हुई ना बात, माशाल्लाह। चलो अब जल्दी से मुझे कुछ खिलाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हफ्सा जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। अभी लाती हूं। बहुत भूख लगी है, ले आओ जितना भी पका है ले आओ, बस जल्दी करो हफ्सा, जल्दी करो ले आओ। भाई नहीं शुक्रिया। बेटा क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? आर्थिक भाई सोना हवाले करने के लिए गए थे बेबुलात को, मगर अब तक नहीं लौटे, उनकी वजह से परेशान हूं। कोई पैगाम तो नहीं आया उनका? नहीं तो, हो सकता है कोई मामला दरपेश आ गया हो उन्हें, उसमें मसरूफ हो गए होंगे। बेटा सदरत इन कुनेवी की यहां आमद के बारे में जानते थे, उन्हें यहां होना चाहिए था। मैं सराय जाकर देखता हूं, मुमकिन है वो वहां हो, शायद तुरगुत भी वहीं मिल जाए। तुम देख चुके हो कि कैसे हमने तुम्हारे सिपाहियों को मार डाला। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सच जवाब देना मेरे सवालों का। तुम क्या समझते हो मुझे मौत से डर लगता है? उस ड्रैगोस को बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और संदूक, क्या संदूक के बारे में भी कुछ नहीं जानते तुम? किसी संदूक के बारे में नहीं जानता मैं, कुछ नहीं मालूम मुझे। अर्तुरुल के करीबी साथी को बेवजह खड़ा करके नहीं लाए। तुम संदूक के बारे में जानते हो, बताओ मुझे कि वो कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ करना चाहते हो कर लो मेरे साथ। समझ गया मैं।
मैं तुमसे ये उगलवा कर ही रहूंगा। के? इल्बिल के! सोना भी गायब है। इल्बिल के खातून कहाँ है? सोना कहाँ गया? इल्बिल के खातून अगवा हो गई है सरदार। किले लेकर गए हैं वो उन्हें। इल्बिल के खातून को मैंने तुम लोगों के भरोसे पे छोड़ा था, तुमने उसे अगवा कैसे होने दिया? ये क्या पागलपन है? वो मेरी बहन को किले ले गए हैं, मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिपाहियों तैयार हो जाओ किले पे हमले के लिए। नामुमकिन, ऐसा नहीं करोगे तुम। होश के नाखून लो जरा, उनके किले पर हमला करना हरगिज इतना आसान नहीं। दोनों रियासतों के बीच जंग करवाना चाहते हो क्या? क्या कहा, रियासत? कैसी रियासत, कौन सी रियासत? उन्होंने मेरी बहन को अगवा कर लिया, पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुनो, पहले अर्तुरुल भाई को इस मामले से आगाह करना होगा हमें, और अगर तुमने जिद की तो मैं जबरदस्ती वहां लेकर जाऊंगा तुम्हें। अपनी बहन को बचाने के लिए अर्तुरुल साहब के हुक्म का इंतजार करूं क्या? बस बहुत हो गया, होश में आओ। तुम नहीं जानते कि क्या करने जा रहे हो। देखो देखो तुम्हारी जिद का नतीजा आखिर क्या निकला। हां, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। किले में वो घात लगाकर बैठे होंगे, और अगर अभी वहां चले गए हम तो वो सबको मार डालेंगे, इल्बिल के खातून को भी। अब तुम अपनी बहन की खातिर अर्तुरुल भाई के पास चलोगे, समझो मेरी बात, दूसरा रास्ता नहीं है कोई। सोना हासिल करने में कामयाब हो गया है। खूब, बहुत खूब। इस सोने से हम अपने मुकद्दस मकसद के लिए बहुत सारे सिपाही जमा करेंगे तारा। उनकी मदद से सूद पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। जनाब, उरानूस ने सोने से ज्यादा एक और कीमती चीज हासिल की है। वो क्या? इल्बिल के। वो भी उनके साथ कोनिया जा रही थी। उरानूस ने सिपाहियों को मारकर उस खातून को यरगमाल बना लिया। शानदार, बड़ी खुशखबरी है ये।
मेरी तवक्को से भी बड़ी तारा उरानूस ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। तारा, तुम जान गए होगे कि मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर छुटकारा मुमकिन नहीं। बताओ मुझे, संदूक कहां है? कुछ नहीं जानता मैं। क्या कहा तुमने? बताओ क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यही जवाब है मेरे पास तुम्हारे लिए वैश्य जानवर। मलोर तुम आंखें खोलो, अपनी खोलो, अपनी आंखें आंखें खोलो, उठो। घटिया इंसान, मलून हो तुम, तुम्हें अपनी इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामोश हो जाओ। आर्तुक भाई कहाँ है? वो तो नहीं है सरदार, सुबह महसूल हवाले करके कबीले वापस चले गए थे। नकली सोना उरानूस। ये सोना नकली है। मुझे सोना हाथ से जाने का कोई दुख नहीं, वो लोग इलबिलगे को ले गए। बेबोलाद सरदार और इनके सिपाहियों को जिंदान में डाल दो। मैं सरदार हूं उमरुल्लार का, आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुरुल सरदार। सराय से रवाना हुआ था वो सोना, जो भी तब्दीली हुई सराय में की गई, मैं किस, अगर तुम्हें इस बात की खबर नहीं हुई तो क्या करते हो वहां पर? Thank you.